हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल। एट दिस टाइम यू आर लिसनिंग योर इंग्लिश टीचर सिब्बा। आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर स्टडी। टुडे वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट थर्ड पोएम whose title is One Little Kitten. Whose title is One Little Kitten. So, let's start. Let's read. A fat cat saw a rat. A fat cat saw a rat. It means, एक मोटी बिल्ली एक चूहे को देखी. A fat cat saw a रैट, एक मोटी बिल्ली एक चूहे को देखी। सो रीडिंग इज फन। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। इट मीन्स इस पोएम में कितने तरह के क्रिएचर्स मीन्स एनिमल हैं। इस पोएम में कितने तरह के क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स हैं। ओके, नाउ योर आंसर इज दैट देयर आर 15 क्रिएचर्स mentioned in the poem. There are 15 creatures mentioned in the poem. It means इस poem में total 15 creatures हैं। इस poem में total कितने creatures हैं? इस poem में total 15 creatures हैं। Okay? Now the next question. Are the seals happy? Your question is that are the seals happy? It means क्या सील मछलियाँ happy है? क्या सील मछलियाँ खुश है? Are the seals happy? क्या सील मछलियाँ जो हैं वो happy है? Now your answer is that no. The seals are sad. No, the seals are sad. It means नहीं, जो सील मछलियाँ हैं वो sad हैं। जो सील मछलियाँ हैं वो sad हैं। No, the seals are sad. What is the meaning of sad? Means दुख। जो सील दुखी, sad means दुखी। No, the seals are sad. नहीं, जो सील मछलियाँ हैं वो क्या है? सैड है। नाउ लेट्स टॉक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द फिश लिव। वेयर डू द फिश लिव, इट मीन्स मछलियाँ कहाँ रहती हैं? वेयर डू द फिश लिव, मछलियाँ जो हैं कहाँ रहती हैं? नाउ योर आंसर इज दैट द फिश लिव इन द वाटर। द फिश लिव इन द वाटर, मछलियाँ जो हैं पानी में रहती हैं। इन द वाटर, मछलियाँ जो हैं पानी में रहती हैं। एज फॉर रिवर, सी और ओशियन, रिवर, सी और ओशियन, जो मछलियाँ हैं पानी में रहती हैं। ओके, कहाँ कहाँ? रिवर, सी, ओशियन। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the other things found in water? What are the other things found in water? It means water में और कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी things पाई जाती हैं. Water में कौन कौन सी things पाई जाती हैं. Now your answer is that the water things, the other things found in water, the other things found in water are other sea creatures, plants, oysters, shells, herbs, etc. The other things found in water are other sea creatures, plants, oysters, shells, herbs or etc. Herbs, etc. It means that water mein sea creatures, plants, oysters, shells, herbs, ye sabhi water animal aur plant hain. ये सभी वाटर एनिमल और प्लांट्स हैं. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम. देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम. व्हिच वंस हैव यू सीन. व्हिच वंस हैव यू सीन. इट मीन्स पोएम में कई प्रकार के एनिमल्स के नाम हैं, उनमें से आपने किसको देखा है. पोएम में कई प्रकार के कई तरह के एनिमल्स के नाम हैं, उनमें से आपने किसे देखा है. ओके, नाउ योर आंसर इज दैट आई हैव सीन किटन, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट्स, फिशेज, lizards, bees, elephants, donkeys, etc. It means मैंने kitten, cats, butterflies, rats, fishes, lizards, bees, elephants, donkeys, etc. इन सभी को देखा है. योर क्वेश्चन इज दैट देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम. विच वंस हैव यू सीन. इट मीन्स पोएम में कई प्रकार के एनिमल्स के नाम हैं, उनमें से आपने किसे देखा है. नाउ योर आंसर इज दैट आई हैव सीन किटन, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट्स, फिशेज, लिजार्ड्स, बीज, एलिफेंट्स, डोंकीज, etc. इट मीन्स मैंने किटन, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट, फिशेज, लिजार्ड्स, बीज, एलिफेंट्स, डंकी को, इन सभी को देखा है. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल अस अबाउट व्हेन यू फील. टेल अस अबाउट व्हेन यू फील. आप बताएं कि इन कंडीशन में आप कैसा फील करते हैं. टेल अस अबाउट व्हेन यू फील. आपको ये बताना है कि आप इन कंडीशन में आपको कैसा फील होता है, कैसे फील आप करते हैं. ओके, सैड, ब्रेव, हैप्पी एंड नर्वस. What is the meaning of sad? Sad means dukhi. And what is the meaning of brave? Means bahadur. And what is the meaning of happy? Means khush. And what is the meaning of nervous? Means fearful, means dara hua. Okay? So, now you answer. I feel sad when I
I feel sad when I am down with fever. I feel sad when I am down with fever. It means मैं sad हो जाता हूँ जब मुझे fever होती है. I feel sad. मैं sad हो जाता हूँ when I am down with fever. जब मुझे fever हो जाती है. मैं कब sad होता हूँ? When I am down with fever. मैं sad हो जाता हूँ जब मुझे fever हो जाती है. ओके. I feel brave when I speak the truth. I feel brave when I speak the truth. मैं brave feel करता हूँ. I feel brave. मैं brave feel करता हूँ जब मैं सच बोलता हूँ. When I speak the truth. जब मैं सच बोलता हूँ. Next. I feel happy when I help others. I feel happy when I help others. मैं खुश हो जाता हूँ. I feel happy when I help others. जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ. जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ. I feel happy when I help others. मैं खुश हो जाता हूँ जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ. हेल्प, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्प? मीन्स मदद करना, हेल्प करना. आई फील नर्वस व्हेन आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क. आई फील नर्वस. मैं घबरा जाता हूँ. मैं नर्वस हो जाता हूँ जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता हूँ. आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क. I feel nervous when I feel nervous. मैं nervous हो जाता हूँ. मैं घबरा जाता हूँ when I don't complete my homework. जब मैं अपना homework complete नहीं करता हूँ. Okay? Now the next question. Look and read. Look and read. The first question. Say these words aloud. Then match them with the pictures by drawing lines. Say these words aloud. Then match them with the pictures by drawing lines. It means नीचे दिए गए words को aloud means बोलकर पढ़ना है. नीचे दिए गए words को बोलकर पढ़ना है और इसको और इनके words के साथ picture को match करना है. और जो ये words हैं इस words के साथ pictures को क्या करना है? match करना है. Okay? So let's start. The first one is bag. And where is bag? Bag is here. Okay? And the next one, tin. Where is tin? Here is tin. Okay? And the next one, hen. Where is hen? Hen is here. Okay. Now the next one, pen. Where is pen? Pen is here. And the next one, tap. Where is tap? Tap is here. Okay. Now the next one, axe. Where is axe? Axe is here. Okay. Now the next one, ant. Where is ant? Ant is here. And the next one, fox. Where is fox? Fox is here. Okay. Now the next one, cap.
Where is cap? Cap is here. Okay? Now the last one, cot. Where is cot? Cot is here. Okay? So, ऐसे आपको वर्ड्स के साथ पिक्चर को मैच करना है. ओके? नाउ द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबव. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबव. इट मीन्स नीचे दिए गए वर्ड्स को फिल करके कंप्लीट करना है. नीचे दिए गए जो ये वर्ड्स हैं इसको फिल करके कंप्लीट करना है. ओके? सो द फर्स्ट वन, बैग. बी ए जी, बैग. एंड द नेक्स्ट वन, हैन. एच ई एन, हैन. नाउ द नेक्स्ट वन, टैप. टी ए पी, टैप. And the next one, cap. C A P, cap. Now the next one, teen. T I N, teen. And the next one, cot. C O T. And the next one, ant. A N T. Okay? Now the next one, pain. P E N, pain. And the next one, fox. F O X, fox. And the last one, axe. A X E, axe. ऐसे आपको फिल करके इस वर्ड को कंप्लीट करना है. ओके? You got the question answer. Now your homework is that to write question answer in your notebook and remember it. Okay? Thank you. Have a nice day.